हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी बहुमुख फ्रेंड। रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 के बारे में बात करने वाले हैं। एनटीपीसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में ऑफिशियल अपडेट रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है। एनटीपीसी की जो CBT 1 की परीक्षा जो है वो समाप्त हो गई है। अब रेलवे की तरफ से एग्ज़ाम फीस रिफंड जो है वो जारी कर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग में एग्ज़ाम फ़ी कब से कब तक जो है आपकी रिफ़ंड होगी, क्या लास्ट डेट रखी गई है, ये सारी ऑफिशियल अपडेट हम वीडियो में एक एक करके देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे आपको रेलवे भर्ती की पल पल की ऑफिशियल अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने RRB चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है। यहीं से NTPC के रिगार्डिंग में ऑफिशियल अपडेट जारी कर दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे CN नंबर 01/2019 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC नोटिस रिफंड ऑफ एग्जाम फी अपडेट करेक्शन बैंक अकाउंट डिटेल, यानी इस ऑफिशियल लिंक जो है वो जारी कर दिया गया है। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिस को मैं आपको ओपन दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसके नोटिस को ओपन कर रखा है। अटेंशन नोटिस में यहाँ पे देखेंगे आप, अटेंशन फॉर द कैंडिडेट CN नंबर 01/2019 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC रिफंड ऑफ एग्जाम फीस अपडेट करेक्शन ऑफ बैंक डिटेल, यहाँ पे पैरा इनक्लोज कर दिया गया है। यहाँ पे कैंडिडेट को बताया गया है कि जो कैंडिडेट CBT 1 में अपियर्ड हुए थे 28/12/2020 से लेके 31/7/2021 तक, जो 7th फेज जो चला था उसके रिगार्डिंग में एग्जामिनेशन के लिए ₹250 ST SC PWD और फीमेल माइनॉरिटी EBC कैंडिडेट्स के लिए है ट्रांसजेंडर, और आपके 400 जो हैं वो आपका जनरल और OBC कैंडिडेट्स जो थे उनकी फ़ीस जो है वो रिफंड होने वाली है। यहाँ पे कुछ बैंक चार्जेस कटेंगे, जैसे 250 रुपये हैं तो यहाँ से करीब करीब 10 या 15 रुपये करीब आपका कट के 235 के आसपास आपका यहाँ से फी रिफंड होगा। जो 400 वाले कैंडिडेट हैं उनका करीब 315 रुपये और कट जाएंगे, तो 385 के आसपास आपका फी रिफंड यहाँ से होने वाला है। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो एप्लीकेशन है वो 2 साल पहले ऑलमोस्ट भरी गई थी, और जिसके रिगार्डिंग में IFSC कोड वगैरह डिटेल वगैरह दी गई थी, लेकिन अब दोबारा से इसको अपडेट करना है आपको। तो थर्ड पैरा में मेंशन है अपडेट योर बैंक अकाउंट लिंक, आपको सभी बैंक अकाउंट लिंक जो है वो अपडेट दोबारा से कर रहे हैं। इसका जो लिंक है वो 11/8/2021 से 10 बजे से लेके 31/8/2021 तक खुल जाएगा, यानी 11 तारीख से आपका जो लिंक है वो ऑफिशियली एक्टिव कर दिया जाएगा, और 31/8 यानी 31 अगस्त तक आपकी लास्ट डेट है। 11 तारीख से आपका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो सभी कैंडिडेट्स को, जो जो कैंडिडेट CBT 1 में अपियर्ड हो चुके हैं, यानी जिसने CBT 1 एग्जाम दिया है, उन कैंडिडेट्स का अकाउंट नंबर, नेम, कैंडिडेट का IFSC कोड, ये सारी डिटेल जो है वो करेक्टली एकदम आपको रखनी है तैयार करके। और जैसे ही मॉडिफिकेशन लिंक जो है एक्टिव होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करके मॉडिफिकेशन लिंक पे ये सारी डिटेल क्लियरली अच्छी तरीके से भर के आपको सबमिट कर देनी है। और इसके बारे में बताया गया है, 5th पॉइंट में मेंशन किया गया है कि कोई भी मिस्टेक होने पे आपका जो रिफंड अगर नहीं आएगा तो RRB उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो आप लोग अपनी डिटेल को सही सही भरना है आपको। यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन बैंक डिटेल, यानी बैंक डिटेल की लास्ट डेट सबमिट करने की 31 अगस्त रखी गई है। रिफंड आफ्टर डिडक्शन बैंक चार्जेस वगैरह ये सब काटने के बाद में जो पैसा बचेगा, जो जैसा कि मैंने बताया कि 250 वाले कैंडिडेट्स के लिए 235 के आसपास पैसे मिलेंगे आपके, और 400 वाले कैंडिडेट्स के लिए 385 के आसपास पैसे मिलेंगे। 10 या 15 रुपये बैंक चार्जेस यहाँ से कट जाता है। इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट डिटेल अगर आपने भरी उस, तो आपका जो पैसा अगर रिटर्न नहीं आया तो उसके बारे में आप जो है कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। आप जो डिटेल फिलअप करेंगे वही वहाँ पे मौजूद होगी। नो रिफंड विल बी गिवन कैंडिडेट फेल टू सबमिट बैंक अकाउंट डिटेल, यानी अगर किसी कैंडिडेट ने, कोई कैंडिडेट बैंक अकाउंट डिटेल भरने में फेल हो जाता है, तो उसका कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा। ओनली 1 रिफंड पर अकाउंट विल बी अलाउडेड, यानी एक अकाउंट में सिर्फ एक ही रिफंड अलाउड होगा। आपने अगर किसी और के अकाउंट में किसी और का अकाउंट नंबर दे दिया तो उसमें रिफंड उसका नहीं होगा, क्योंकि द लिंक ऑफ द फिलिंग बैंक अकाउंट अलॉन्ग विद OTP से जनरेट किया जाएगा। आपके ईमेल और SMS पे आपकी OTP आएगी। और जिस कैंडिडेट ने यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि जो भी सारी डिटेल है वो आपको पूरी तरीके से अच्छी तरह से पूरी तरीके से भरनी है। और जिस कैंडिडेट ने CBT 1 एग्ज़ाम दिया है, रेलवे उनको SMS और ईमेल के थ्रू बता देगा कि आपने CBT 1 एग्ज़ाम दिया है और आप अपनी बैंक डिटेल
भर दीजिए। तो 11 तारीख से आपके स्टार्ट होने वाले हैं और 31 तारीख लास्ट डेट है। तो फ्रेंड ये थे अब तक के अपडेट जो कि एनटीपीसी के रिगार्डिंग में आ रही थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन कर रही हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।